भूतेश्वर स्थित कंकाली मंदिर के पास में पौधारोपण कर लोगों को ये संदेश दिया गया कि हमारी जिंदगी में पौधों का क्या महत्व है। बिना पौधे हम लोग कुछ नहीं है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस कोविड-19 के दौर में सभी को ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ी थी, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं थी और पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है। जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी। और हम सबकी आपसे अपील है कि आप लोग भी अपने घरों में आज के दिन सभी लोग एक एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। और जब तक हमारा पर्यावरण बचा है तब तक हम स्वस्थ हैं। इसी को देखते हुए 21 पेड़ लगाए गए और सभी लोगों ने प्रण लिया कि हम इसकी देखभाल करेंगे। इस मौके पर महक श्रीवास्तव, खुशबू श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, मनोज सक्सेना, विनीता निगम, संजय सक्सेना, नुकुल अग्रवाल, आकाश राघव आदि मौजूद थे। मैं आपका महक श्रीवास्तव, जी मैं माही एल्फिन चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव हूँ और आज हमारे द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। आज 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने कंकाली मंदिर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जिससे कि सभी, और हमने साथ ही साथ ये भी सबको संदेश दिया है कि हमें अपना वृक्षारोपण टाइम टाइम पर करते रहना चाहिए और हम जहाँ भी वृक्ष लगाएँ उसकी देखरेख हमें खुद ही करनी चाहिए, हमें किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मतलब मारामारी हुई थी, तो हम लोग जितना ज़्यादा प्लांट लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हमारे। नमस्कार, मेरा नाम नकुल अग्रवाल है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? आज माई हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से और डिज़ायर टू सक्सीड ऑर्गेनाइजेशन के इस कोलेबोरेशन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे कंकाली मंदिर पे प्लांटेशन किया है, वृक्षारोपण किया है, जिसमें के करीबन हमने 21 पौधे लगाए हैं, जिसमें जामुन, अनार और नीम, अमरूद, इस तरह के पौधे शामिल हैं। और हमारा संदेश अब यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोविड महामारी के बाद जिस तरीके से जो स्थितियां बनी हुई हैं कि ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है यहाँ पर देश में, ये सिर्फ इसी वजह से हमने हाईवे बना दिए पेड़ों को काट के, सारी हमने फॉरेस्ट जो थे वो ख़त्म कर दिए। अब उसका रिस्टोरेशन का सोचने का वक्त है कि हम इसको रिस्टोर करें जिससे हमारा पर्यावरण बचे। आज हमारा ये 21 पेड़ों का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है। अगली बार हम लोग 51, उससे बाद 101, इस तरीके से बढ़ोतरी करके अलग अलग जगह पे पूरे मथुरा में प्लांटेशन का हमारा स्कोप है। और लोगों से क्या संदेश देंगे आप? लोगों को यही संदेश है कि अगर जिस तरीके से आप भी प्लांट लगाएंगे, चाहे अपने घर पे भी लगाएं या आसपास के खाली क्षेत्रों में मैदानों में लगाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण बचेगा। अब और इसके लिए एक बेहतर इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, तो वो आप किसी भी अच्छे सोशल वर्कर से या फिर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप ले सकते हैं। अगर इंस्पिरेशन आप उनको देखना चाहते हैं तो जिस तरह Thank you.